पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया जी हमारे साथ हैं और जसरोटा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नई बनी है वहां से ये उम्मीदवार है, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। काफी यहां पर जबरदस्त वोटिंग हुई है, 70+ हो गई है, तो क्या कहती है ये ज्यादा? टचिंग 80%। अच्छा, टचिंग 80%। ओवरऑल मेरे ख्याल 75-76 तक जाएंगे। अच्छा, और जो आपका सवाल है क्या कहती है, 7 साल का इंतजार और इंतजार के बाद लोगों में उत्साह और उत्साह के बाद लोगों का मन कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना और विशेष तौर पे जम्मू का बनाना, इसी कारण वोटिंग ज्यादा। लोगों के साथ आप संपर्क कर रहे हैं तो इन 7 साल सारे इश्यूज एड्रेस नहीं होते है ना, तो कहीं ना कहीं नाराजगी रहती है, मगर लोगों के बीच में रह के वो नाराजगी का हल ढूंढा जाता है। तो अच्छा ये बताइए सर, कठुआ वाला कॉन्टेस्ट ज्यादा टफ था या ये वाला? कंटेस्ट दोनों ऐसे ही मतलब क्या वही जो आपका चल रहा है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा। आजकल ये हर पार्टी का एक नारा है ना, ऐसी बात नहीं कहूंगा कि हमने स्पिरिटफुली कंटेस्ट किया है। अब लोगों का जो भी फैसला होगा मंजूर। लोग क्या कह रहे हैं, क्या लोगों की नब तो टोली होगी ना, अपने नेता है, मंत्री रह चुके हैं, लगता तो है कि लोगों ने आशीर्वाद दिया है, अंतिम निर्णय 8 तारीख को ही होगा। सरकार बनाएंगे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सरकार, निश्चित तौर पर, और पहली बार ये तोहफा देश के लिए होगा और इस प्रदेश के लिए होगा और नए युग का आगाज होगा। वो नया युग क्या कहेगा? नया युग कहेगा अमन है, पीस है, पीस प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी, यही नारा है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट का बनेगा मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे, जम्मू सूबे का मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे, ये हमारा संकल्प है। और बातचीत करें? बिल्कुल करें, ठीक है सर। ये जो 7 साल लोगों ने काटे हैं, ये काटे हैं ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी है शुरू से कहती आ रही थी कि हम चुनाव करवाएंगे, तो ब्यूरोक्रेसी काफी हावी हुई है, तो सरकार बनने के बाद कोई अंकुश लगेगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे ब्यूरोक्रेसी की बड़ी मनमानी थी और लोग बड़े त्रस्त थे, से बड़े दुखी थे, इसमें कोई मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जो लोगों का नुमाइंदा होता है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ही इज अकाउंटेबल। जब वो अकाउंटेबल होता है तो कोई भी कहीं से कुर्ता पकड़ लेता है, तो वहां तो वो अकाउंटेबिलिटी है नहीं, ज्यादा से ज्यादा कोई ट्रांसफर होगा। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा एक रिलीफ लोगों को मिलने वाला है और जो लोग चाहते थे वो हुआ है, मगर इस प्रोसेस में विलंब हुआ है, इसीलिए फिर आपके भी पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, क्योंकि लोग इसलिए अपना नुमाइंदा चुनते हैं, अपना चौकीदार इसलिए चुनते हैं कि लोगों की बात सुनी जाए, और हमेशा ऑन द टोस, जो जनता जब तो ऑन टोस रखती है वो हमेशा। यहाँ पर जब नामों की चर्चा हो रही थी तो आपका नाम वाकई में सबसे ऊपर चल रहा था, तो ये एक विश्वास था लोगों का हमेशा प्यार रहा, या फिर लोगों ने कह दिया कि नहीं जी हमें राजीव जसरोटिया चाहिए, भले ही वो कठुआ से लड़े हो। यहाँ से आप जम्मू से चल के आए तो आपने देखा इन 7 वर्षों में, मैं जब भी कोई मीटिंग हो तो मैं जाता हूँ, नहीं तो मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, तो लोगों का प्यार था, लोगों का। हम भी बात करते थे राजीव जसरोटिया जी से, क्या नाराजगी है, ये आते ही नहीं है यहाँ पे जम्मू में। मैं बड़ा कम जाता था क्योंकि अच्छा था, अपने लोगों में बीच में था, तो आज उसका लाभ मिला है और लोग भी यही चाहते हैं कि कोई जब लोगों में रहेंगे तो कुछ ना कुछ आटा लून दलिया हम कर सकते हैं, तो वही मेरी अप्रोच कह रहा है कि सिर्फ ख्वाब दिखा रहे हैं आप। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड एक तैयार कर दी गई है इन 7 वर्षों में, ग्राउंड तैयार कर दी, एक ग्राउंड तैयार कर दी गई है, डिलीवरी का टाइम। चलिए, आपने मौका दिया, आप उनके सवालों को आपने लिया, अभी कुछ सवाल मेरे भी हैं क्योंकि मैं भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक रखता हूँ। अगर आपको मौका दे तो मिलता है जसरोटा की, अगर जनता आपको मौका देती है तो आपकी प्रायोरिटी पे कौन कौन से ऐसे काम होंगे जो आपको लगता है कि ये पहले करने होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ बहुत उबड़ खाबड़ इलाका था, मैं बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, और इसमें जो ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, कुछ इलाका बिलावर का था, कुछ बसोली का था, कुछ हीरानगर का था, और बड़ा, और इसमें सबसे पहला काम तो हमने कर दिया कि एक स्टेट लाइन में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, और ये हिल टेरन है, और ख़ास करके जो 10-12 पंचायतें ऐसी हैं, बहुत डिफ़िकल्ट पंचायतें हैं, उनको आज भी सड़क नहीं है, मेरे को कहने में कोई दो राय नहीं है, बिजली पानी और सड़क की जो मुख्य व्यवस्था करने
लाइक है वो करेंगे। बाकी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए, एजुकेशन को लेकर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करने का कोशिश करेंगे और लोगों को एक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिले। बहुत सारा सर ड्रग्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, चिट्टे का बहुत ज़्यादा, लोग जो है इसमें एक बात तो सरकार को प्रायोरिटी पे रखेगी, सरकार की प्रायोरिटी नहीं हमारी भी प्रायोरिटी रहेगी। एक हमें एडवांटेज समझ लीजिए, डिसएडवांटेज समझ लीजिए, पंजाब हमारे से नज़दीक है, ये बॉर्डर स्टेट है, तो जब भी बॉर्डर स्टेट होता है इसकी डिसएडवांटेज ऐसी हो रहती है क्योंकि जहाँ से ये ट्रैवल करके आते हैं सारी चीज़ें ट्रैवल करके आती हैं, तो कठुआ बीइंग वेरी क्लोज टू पंजाब तो वहीं से चलता है ये, तो इसको निश्चित तौर पे इसकी कंटेनमेंट की जाएगी और जो भी कदम लेने होंगे सरकार में रहते हैं हम लेकर और भी दौरा करना होगा। चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद।